आज की इस वीडियो में हम बायोस्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन हम किसे कहते हैं जनरल वर्ड्स में? डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्रेड इन अ डेटा सेट, यानी एक जो डेटा होती है उसका जो सेट होता है उस डेटा सेट में जो डिस्पर्शन हुई होती है या जो स्प्रेड हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये क्या है? स्प्रेडिंग डेटा सेट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, तो अगर ये ग्राफ इस तरह प्लॉट हुआ है, ये देखिए अगर एक का दरमियान लग रहा है, ये इसका मीन है, इस मीन के दोनों साइड क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इस तरफ इस साइड पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हो, वो इक्वल हो, एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड हुआ हो, जिस तरह ये मीन है ना, इस साइड कम डिस्ट्रीब्यूशन है और इस साइड क्या है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल डिस्पर्स है ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा ज़्यादा डिस्पर्स है, स्प्रेड हुआ है डेटा। अगर हम इस केस में देखें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा क्या हुई है, स्प्रेडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन हुई है। ये मीन होता है हमेशा इस साइड पर, अगर हम देखें तो ये थोड़ा कम डिस्पर्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन कम हुई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्क्यू कहते हैं, स्क्यू, इस बार स्क्यू, जिसमें इस साइड पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो और इस साइड पर कम डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसको हम यानी ये भी कह सकते हैं कि नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं हुई होती। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिसको हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेंज, रेंज, रेंज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम, मतलब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज इन द डेटा सेट। यानी एक डेटा सेट है उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती है, सॉरी एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, उसके दरमियान डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस। ये क्या है? ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती है उसके दरमियान क्या है? डिफरेंस है। ये एक्सट्रीम वैल्यूज किस में होती है? डेटा सेट में। यानी डेटा सेट में जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, जब उसका डिफरेंस हम मालूम करते हैं, तो ये रेंज है। एक्सट्रीम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे छोटी एंड सबसे बड़े। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बेहतर समझ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ये क्या है? ये सारा डेटा सेट है 11, 23, 15, 9, 31, 43, 47, 6, 35। ये क्या है? ये एक डेटा सेट है। तो अब हम इसमें रेंज को किस तरह मालूम करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, 6, 8, 9 इस तरह, ठीक है ना, छोटे से बड़े की तरफ। तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा? 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, इस तरह जो है ना हमने अरेंज किया। सबसे बड़ी जो डिजिट है वो क्या है? 27। तो हमारे पास जो छोटी सबसे डिजिट है वो क्या है? वो 6 है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गए, और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है? 27। तो ये दोनों क्या हो गए? ये एक्सट्रीम वैल्यूज हो गए, सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट, ये क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज है। अब जब हम इस एक्सट्रीम वैल्यूज की डिफरेंस मालूम करते हैं तो ये हमारे पास रेंज बन जाता है। देखिए सबसे एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? सबसे पहले 47, ये लार्जेस्ट है, सबसे पहले ये लगाना होगा। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? 6, फिर 6 लगा लिया, तो 47 से जब हम 6 को माइनस करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है? 41। ये 41 क्या है? ये हमारे पास रेंज है। अब आप लोग अगर इस डिफिनीशन पर गौर करें तो हमने क्या कहा था कि इट इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है ना बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द डेटा सेट, इस डेटा सेट में। अच्छा ये भी याद रखिए कि ये जो रेंज है इसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हाई? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रीज़न ये है कि हम इसको इसलिए रेंज को हम डेली लाइफ में यूज़ इसलिए नहीं कर सकते, रेंज इज़ नॉट एप्लीकेबल इन डेली लाइफ, क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान क्या है? डिफरेंस है। तो अगर हम सिर्फ टू वैल्यूज को ले लें, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो इन बाकी वैल्यूज का क्या होगा? जिस तरह ये एक एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसको सिर्फ लिया है, जबकि जो बाकी वैल्यूज है उनको नहीं लिया है, तो ये बाकी वैल्यूज का क्या होगा? रास्ता में उधर
ओके सो अब रेंज के बाद हम एक दूसरा टर्म डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं वेरियंस। वेरियंस को हम इस निशान से जाहिर करते हैं, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को जहाँ भी ये टर्म नजर आए तो इसका मतलब होगा वेरियंस। वेरियंस का सिंपल वर्ड में हम कहते हैं तगायुरात को, डिफरेंस को। यहाँ पर अगर हम देखें टू टाइप के डेटा हमारे पास आते हैं, एक होता है पॉपुलेशन डेटा, दूसरा होता है सैंपल डेटा। अगर हम पॉपुलेशन डेटा की बात करें तो उसके लिए जो वेरियंस का फार्मूला है समेशन एक्स माइनस म्यू, इसको म्यू कहते हैं, होल की स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये किसके लिए है? पॉपुलेशन डेटा के लिए। सैंपल डेटा के लिए क्या फार्मूला है? सैंपल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार, ये एक्स के ऊपर माइनस नहीं, ये बार है, एक्स बार होल की स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन, ये क्या है? ये सैंपल डेटा के लिए फार्मूला है। वेयर, जहाँ पर। अब हमने इस इस निशानात को जाना तो देखा तो, बट इसका क्या मतलब है? अगर हम कोई पूछे कि इस एक्स का क्या मतलब है, इस एक्स बार का क्या मतलब है, एन क्या जाहिर करता है, तो ये हम सबसे पहले जानेंगे। इसका तो पता है सर, तो इसका मतलब होता है समेशन, यानी जमा करना। एक्स का क्या मतलब है इस फार्मूला में? इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, यानी एक डेटा है उसके जितने जो पॉइंट्स है उसके हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है ना। ये म्यू या एक्स बार, इसका क्या मतलब होता है? मीन ऑफ डेटा सेट, ये किसी भी डेटा सेट की मीन को जाहिर करता है। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट, यानी एक डेटा सेट में जितने भी नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेट के 7 नंबर है तो उसका एन क्या होगा? एन होगा। ये चीज़ें जब हम इस एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे फिर आप लोगों को सही तरह क्लियर हो जाएंगे। बाहर हाल फिलहाल ही तैयार करने के एक्स का ये मतलब है, एन का ये है और म्यू का वो है। इसके बाद एक और टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस इन निशानात से जाहिर करते हैं। अगर पॉपुलेशन डेटा है तो क्या करेंगे कि वेरियंस अंडर रूट, फिर वही वेरियंस का फार्मूला लगा लेंगे और फिर एक अंडर रूट लगा लेंगे। सैंपल डेटा के लिए क्या होगा कि वही वेरियंस की अंडर रूट और वेरियंस का जो फार्मूला यहाँ पर है ये वाला, इसको क्या करेंगे? इसके अंडर रूट में लगा देंगे। मतलब ये है कि वेरियंस और स्टैंडर्ड वेरिएशन ज़्यादातर एक जैसा है, सिर्फ क्या है कि इसमें अंडर रूट नहीं है और यहाँ पर हम वेरियंस की अंडर रूट लगा लेते हैं। तो ये हो गया वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन डेटा और ये सैंपल डेटा के। अब हम इस पर एक एग्जांपल ले लेंगे फिर आप लोगों को सही तरह क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल क्या है कि ये एक्स है, एक्स को हमने क्या कहा था? इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, ये इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है। मीन, ये एक्स, ये म्यू किस चीज़ को जाहिर करते हैं? मीन को, ये इसका मीन है। अच्छा, सबसे पहले इसको जानते हैं, ये तो है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। इसका मीन किस तरह मालूम करेंगे कि इन सब को जमा करेंगे और जितने नंबर हैं उन पर डिवाइड करेंगे। अब ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम 6 पर इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको प्लस कर ले सबको तो इससे आता है 42, तो 42 को हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आता है। अब ये 7 क्या है? ये इसका मीन है, यानी इसका मीन क्या हो गया? 7 हो गया, तो हमने मीन भी मालूम कर लिया। इसके बाद हम एक्स माइनस म्यू इसको मालूम कर लेंगे, इसको हम म्यू वेरियंस कहते हैं। वेरियंस को किस तरह मालूम करेंगे कि इन दोनों को माइनस करें। 9 माइनस 7 से कितना आता है? 2। 8 माइनस 7 से कितना आता है? 1। 6 माइनस 7 से क्या आता है? -1। इससे -1 आएगा क्योंकि ये 7 ज़्यादा है और 6 कम है, तो इससे -1 आता है। 5 माइनस 7 से क्या आता है? -2। 8 माइनस 7 1 और इस तरह भी 1 आता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि x माइनस म्यू होल स्क्वायर मालूम करेंगे। ये किस तरह करेंगे कि ये जो डिजिट हमारे पास आए इसका हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि अगर हम स्क्वायर ले लें तो 4 आता है, 1 के अगर हम ले लें तो 1 आता है। -1 का अगर हम स्क्वायर ले लें, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो इससे भी +1 आता है। किस तरह बना? देखिए, अगर ये -1 है मल्टीप्लाई -1, तो इससे +1 आता है। किस तरह? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस आता है प्लस, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इससे वही 1 आता है। तो ये बात जहन में याद रखें। इस तरह अगर हम -2 की स्क्वायर ले लें तो वो भी 4 आता है, +4 माइनस है,
इस तरह ये माइनस टू को अगर हम स्क्वायर लें तो ये प्लस फोर आता है, इसका अगर हम लें तो वन, ये माइनस वन का स्क्वायर लेंगे तो ये भी वन ही आता है। अच्छा, अब हम इसका क्या करेंगे कि इसका समेशन करेंगे, इसका इन सब को हम अगर प्लस करें तो ट्वेल्व आता है। एन हमारे पास कितना आता है, सिक्स आता है। एन का मतलब यानी जितने नंबर्स हैं। अगर हम इसका क्या मालूम कर लें, वेरियंस। वेरियंस हम किस तरह मालूम करेंगे कि जो हमारे पास आया है ये वाला 12, इसको हम n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम सॉरी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा कि ये जो वेरियंस है इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। 2 का अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास तकरीबन 1.75 इस तरह कुछ आता है। तो ये क्या था, ये सबका वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये बात याद रखेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर क्यों लेते हैं वेरियंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरियंस में हम स्क्वायर क्यों लेते हैं। तो स्क्वायर इसलिए हम लेते हैं क्योंकि अगर हम स्क्वायर नहीं लेंगे तो यहाँ पर जो वेरियंस आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है ना, आप लोग कोई भी घर में कोई भी एग्जांपल ले लें इन डेटा पॉइंट्स को, इसको इस तरह सॉल्व कर लें, फिर आप इसको प्लस करते जाए, इससे हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर वेरियंस में हम स्क्वायर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर हम स्क्वायर क्यों लेते हैं। थैंक यू सो मच।